बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता करे, अल्लाह ताला हम सबको पाँच कर नवाजी बनाए, जो पे औलाद है अल्लाह ताला दुनिया को औलाद से नवाजे, जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनको रोजगार अता करे। ये थी हमारी छोटी सी दुआ। चलते वीडियो के अंदर, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो बसानी आप तक पहुँचे। और अब चलते हैं आपको आगे लेकर, आपकी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। उमर चुप, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जुड़े रहे वीडियो के साथ, देखते रहें कि आगे क्या होता है। तो अब इतना ज़्यादा आटा गूंद लिया मैंने, से कहा आटा गूंदो और तंदूरी में आग चलाओ, तो ये वीडियो बना लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह रोटियां भी आज बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि तंदूर से रोटियां। अब आगे चलते हैं, आगे कभी लोग आपको दिखाते हैं। ये हमारी करेले की बेल यहाँ पर है ना, अनीस ने इसके ऊपर सारे कांटे दे दिए थे और ये बिल्कुल ही दबी हुई थी। तो मैंने कहा इससे थोड़े ना इसके ऊपर से ये कांटे निकाल दूँ तो ये सही से फैल जाए। माशाल्लाह छोटे छोटे से करेले लगे हुए, इतने क्यूट लग रहे हैं ना। प्यारा सा छोटा सा लगा हुआ है करेला यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दरख्त के ऊपर इसकी बेल चढ़ती जा रही है, साइड पे उसने वो दिए थे ना कांटे, इसलिए ये यहाँ चढ़ रही है। इसके ऊपर ज़्यादा वजन आ गया इस दरख्त के ऊपर तो ये बिल्कुल नीचे सो जाएगा। तब चलते हैं आगे, आपको आगे का व्लॉग भी दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बोला। अब इंशाल्लाह फिर आपको कभी अम्मी के घर जाएंगे तो आपको वहाँ की वीडियो दिखाएंगे, बल्कि हमारी वहाँ की वीडियो है तो माशाल्लाह वहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत माहौल लगता है। और इंशाल्लाह फिर आगे भी आपको और भी यहाँ गांव का माहौल दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब आगे चलते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर मुझे सांप मिला था, मुझे यहाँ आते हुए भी खौफ होता है, बिल्कुल ही कहीं बैठ करके जैसे ही इधर से गुजरती हूँ तो यहाँ इतना बड़ा सांप था यहाँ पर बैठा हुआ था। मैं ऐसे ही एक साइड पे आ रही थी तो देखा तो इधर जो है ना सांप बैठा हुआ था। मैं इतनी ज़ोर से मैं चीख मारी वहाँ से दौड़ते हुए घर गई, मेरी सांस बिल्कुल ही ना ऐसे बंद हो गई, गला बंद हो गया, मुझे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। यहाँ से जब मैं चारपाई पे जाके गिरी तो मैंने आवाज़ निकाली कि मुझे सांप नज़र आया है। तो फिर मेरे मियाँ बैठे हुए थे, सैफुल्ला भी बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे मियाँ भी बैठे हुए थे और सैफुल्ला भी बैठा हुआ था, उन दोनों ने मिलकर सांप को मारा तो सांप मर गया। फिर हम लोगों ने उसे जला दिया, लेकिन मर भी गया, लेकिन काफ़ी देर तक वो जो ना इस तरह मिलता रहा है। उसकी कोशिश थी कि मैं बच जाऊँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा, तो हम लोगों ने फिर आग जला कर उसको जो ना जला दिया था। एक तो इतनी अंधेरी रात होती है, बहुत डर लगता है, हर तरफ जंगल है, तो यहाँ पर तो सांपों का घर है। अब आगे चलते हैं, जहाँ भी देखें यहाँ वहीं पर जो है ना ये सांपों की बेलें बिल है। यहाँ देखिए ये बिल यहाँ पर है, डर लगता है इसके साथ से भी गुजरते हुए, इतने बड़े बड़े बिल होते हैं यहाँ पर। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब सूरज निकल रहा होता है तो बहुत खूबसूरत मौसम होता है इस पर। बिल्कुल मेरे मियाँ भी बैठे हुए थे और सैफुल्ला भी बैठा हुआ था, उन दोनों ने मिलकर सांप को मारा तो सांप मर गया। फिर हम लोगों ने उसे जला दिया, लेकिन मर भी गया, लेकिन काफ़ी देर तक वो जो ना इस तरह मिलता रहा है। उसकी कोशिश थी कि मैं बच जाऊँगा, यहाँ से निकल जाऊँगा, तो हम लोगों ने फिर आग जला कर उसको जो है ना जला दिया था। एक तो इतनी अंधेरी रात होती है, बहुत डर लगता है, हर तरफ जंगल है, तो यहाँ पर तो सांपों का घर है।
अब आगे चलते हैं, जहाँ भी देखें यहाँ वहीं पर जो है ना ये सांपों की बेले बिल है। यहाँ देखिए ये बिल यहाँ पर है, तो डर लगता है इसके साथ से भी गुजरते हुए, इतने बड़े बड़े बिल होते हैं यहाँ पर। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब सूरज निकल रहा होता है, तो बहुत खूबसूरत मौसम होता है इस पर बिल्कुल। तो अब सुबह सुबह का मौसम होता है, बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, दिल करता है कहीं घूमें, तो इसलिए मैंने आज का कि सुबह का व्लॉग बनाते हैं। वैसे भी अब ठंड हो चुकी है, अब धूप में सुकून मिलता है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसे जिसमें मकर सा जाता है बाहर सोते हुए। फिर आधी रात हम लोग बाहर सोते हैं क्योंकि पहली रात गर्मी होती है, फिर बाद में जो है ना थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, फिर अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, और अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब सर्दियों की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। मोटे कपड़े जो पेटी में रखे थे वो निकालेंगे अब दो तीन दिनों में निकलना शुरू हो जाएंगे कपड़े, तो मोटे इंशाल्लाह। फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप, और हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताते ही नहीं हो कि वीडियो कैसी लगी आपको, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो, और हम आपके बिना अधूरे हैं। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम किससे हेल्प मांगेंगे, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। तो अब इसी उम्मीद के साथ बैठी हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह मेरा साथ देंगे तो मैं जो है ना कामयाब हो जाऊँगी। तो इसी मैसेज के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।